गाइज वेलकम बैक टू इंडियन देसी तड़का। दिस इज रवि शर्मा यूट्यूब के आपके अपने पंडित जी। दोस्तों पंडित जी आज आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट पर लेकर जा रहे हैं जहां पर मिलता है प्योर 100% इजरायली फूड। जी हां दोस्तों, पुष्कर में काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, काफी सारे छोटे छोटे ढाबे हैं, ठेले हैं, बट ये जगह है कुछ खास। दोस्तों इस जगह का नाम है द थर्ड आई रेस्टोरेंट, जहां पर मिलता है 100% प्योर इजरायली खाना। जिन्होंने एक्चुअली शुरुआत पुष्कर में इजरायली खाने की थी, इन्होंने ही पंडित जी यहाँ पर काफी लेट आए हैं, बट नो प्रॉब्लम, जब जागे तब सवेरा। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पर मिलेगा आपको सबसे खास और एक जोड़ा मिलेगा यहाँ पर रवि और मिखाल का, जो हमारे पुष्कर के हैं और इजरायल की है हमारी भाभी। वैसे यह रेस्टोरेंट हमेशा फुल चलता है इजरायली से, बट अभी इजरायलीज नहीं है, इसलिए इजरायलीज का जो फूड आपके लिए खास प्रिपरेशन, समथिंग वेरी स्पेशल। तो चलिए मेरे साथ में द थर्ड आई रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं। आइए पंडित जी, स्वागत है आपका थर्ड आई रेस्टोरेंट के अंदर। चलो नमस्कार। सो ये है यहाँ के ओनर रवि भाई और मिखाल। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए पंडित जी, आपका स्वागत है रेस्टोरेंट में। थर्ड आई का खाना खाइए, आप आनंद लीजिए भाई। जरूर, यहाँ का खाना तो हमें बरसों से खाते आ रहे हैं, बट आज तड़का लगाएंगे पंडित जी कुछ खास। तो यहाँ का सबसे फेमस आइटम जीवा मलावा पिज्जा और फेलाफेल सबसे फेवरेट है यहाँ की, सबसे इम्पोर्टेंट। आप जरूर आए, पंडित जी 100% कह रहे हैं, आप आएंगे तो आप खो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे यहाँ का खाना खा करके। तो चलिए तड़का लगाते हैं। तो दोस्तों मैं थर्ड आई की किचन में एंट्री कर चुका हूँ और ये तैयारी हो चुकी है। सर ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है जी पिज्जा ऑन मलावा। पिज्जा ऑन मलावा। दोस्तों ये होती है वन ऑफ द बेस्ट और पुष्कर की सबसे खास डिश जो मिलती है सिर्फ और सिर्फ इसी रेस्टोरेंट में। तो ओनर है मेरे नाम राशि है, हम सारी की सारी बातें इनसे बनाते हुए भी बात कर रहे हैं। सर इसमें क्या क्या डलता है? ये एक मैदा का बनता है, परंतु इसका प्रिपरेशन होना 4-6 घंटे पहले से रेडी करना पड़ता है। ओके, है ना। तो 6 घंटे बाद के अंदर बनाने के लिए रेडी होता है। तो पिज्जा जो रेगुलर इटालियन पिज्जा जो होता है उसमें तो आप तुरंत ही बेल के तुरंत ही बन सकता है, परंतु इसमें थोड़ा प्रोसेस थोड़ा ज्यादा लंबा है। दोस्तों इसमें कुछ राज की बातें भी होती है, वो सारी हम आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, बट ये जो प्रिपरेशन है ना उसी वक्त ये यूट्यूब के छोटे पंडित जी भी, इनके भी चूहे कूद रहे हैं और मेरे भी कूद रहे हैं। सर ये क्या चटनी है? ये पिज्जा सॉस है। ओके, स्पेशली पिज्जा मलावा पिज्जा के लिए ही बनता है। ओके ओके ओके। ये क्या क्या आइटम है सर? इसके अंदर कैप्सिकम है, मशरूम है, ओलिव्स है, और अगर आप चाहे तो इसमें ओनियन भी ऐड कर सकते हो। Okay. और ब्रोकोली है, अगर कोई दूसरा अगर वेजिटेबल जो भी अगर पसंद है वो ही आ सकते हैं। रेडी है। ओके, 5 मिनट के अंदर ये वुड ओवन के अंदर पकेगा और निकल के खाने के लिए। ओके ओके ओके। चलो दोस्तों मेरे हाथ में आ चुका है मलावा।
था, इसकी खुशबू ही ऐसी है, गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास एक नंबर। ये होता है सब इसराइल का सबसे मोस्ट फेवरेट, और यहाँ पर आना ये तो खाना ही खाना है। तो अब पंडित जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैसे बन रहा था वो आपने देख लिया है, फीलिंग्स वगैरह किसकी ये सब आपने देख लिया। आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जाने देते हैं अंदर। माय गॉड, मजेदार। हल्का हल्का मीठा, चीज़, ऑलिव, कैप्सिकम, सब चीज़ें डली हुई है। दिस इज मलावा पिज्ज़ा। अरे बाप रे बाप, ये क्या है सर? सर इसको, ये ट्रेडिशनल इजरायली फूड ही है ये भी। इसका नाम जीवा है। Okay. ये एक तरह से इसके अंदर चीज, ओलिव या मशरूम इसके अंदर फिलिंग होके okay. फिर ये वुड ओवन के अंदर बेक होता है। राइट right. ओके okay. फिर मिर्ची की चटनी के साथ और टमाटर सॉस के साथ okay. जो नेचुरल टमाटर सॉस, जो कच्चा टमाटर सॉस के साथ खाया जाता है। राइट 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 सर। इसको रेडी करके, और ये है यहाँ का सेकंड कोर्स, इट इज कॉल्ड जीवा। इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है? ये बाहर तो है एकदम फ्रेश टोमेटो की चटनी, सॉस बोल सकते हैं उसको आप, बट आंखों के सामने बनता है लाइव, आप इसको बनते हुए भी देख सकते हैं। और ये इसके साथ में ग्रीन चिली वाली चटनी होती है, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग फ्लेवर्स मिले हुए रहते हैं और इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। आप घर पर धनिया की चटनी बनाएंगे, मिर्ची की चटनी बनाएंगे, बट इस जैसी चटनी आप घर पर नहीं बना सकेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। सर जीवा की रेट क्या होती है? जीवा ये 180 रुपए से 250 रुपए तक। ओके okay, मतलब डिपेंड्स करता है कि किनको क्या चाहिए। right. प्लेन चाहिए तो वो भी है, ओलिव्स के साथ है, ऑनियन के साथ है और मशरूम के साथ भी बनता है। ओके okay. और जो मलावा पिज्जा भी हमने खाया था, बहुत ही प्यारा था, उसकी क्या रेट है सर? मलावा पिज्जा 250 रुपए से 350 रुपए तक, डिपेंड्स कौन सा कर लेना है। दोस्तों ये जो रेट अलग अलग है, इसमें होता है आपके अंदर क्या क्या माल डलवा रहे हो, वो सब डिपेंड करता है। तो यहाँ का जब आप मेन्यू देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आपको क्या चीज खास पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप जब आप ऑर्डर देंगे तो रेट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, बट ऑल मेन्यू इज देयर, जो आपको पसंद आए वो खाइएगा। तो पंडित जी अब शुरू करते हैं जीवा। देखिए इसके मैं फीलिंग्स बताता हूं दोस्तों, इसके अंदर मशरूम है, ओलिव है और ढेर सारी चीज भी डली हुई है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम डालते हैं इसको इस टोमेटो की सॉस में। और सो दोस्तों ये वाला पीस आपके लिए मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, थर्ड आई को याद रखिए और पुष्कर आइए। ओरिजिनल टेस्ट अगर इसराइल का आपको लेना है तो यहाँ आपको आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये लोग जो डालते हैं वो काफ़ी सारे मसाले, जब मैंने इनकी किचन देखी तो किचन में बॉक्सेस सारे इसराइल से आए हुए पड़े हैं। तो मार्केट में काफ़ी जगह है, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वो इनके नाम से बेचते हैं, बट यहाँ पर रियल ऑथेंटिक टेस्ट अगर आपको लेना है तो यहाँ आना है आपको। सो तैयार? क्या बात है, चीज, ऑलिव, मशरूम, हर एक चीज एक के बाद एक निकल के रुके बाहर आती है, उनका स्वाद बेमिसाल। सर ये इसमें क्या क्या डलता है? इसके अंदर ये बेसिकली ये काबुली चने को भिगो के ओके, और हरा धनिया ओके, पार्सली, जातार
जो यहाँ मिलता नहीं है हमारे को इसराइल से ही मंगवाना पड़ता है। ओके है ना। और इसी को फलाफेल बोलते हैं, टेस्ट उसी से ही आता है। ट्रेडिशनली इसराइली खाना है जिसको बोलते हैं फलाफेल, जिसको पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी जाना जाता है ये खाना, और खाने में बहुत टेस्टी होता है। और इसके इंग्रेडिएंट या हिंदुस्तान में अभी तक मिलते नहीं है, हमको बाहर से ही मंगाने पड़ते हैं अगर ओरिजिनल टेस्ट के लिए। और दोस्तों ये जो आप काफ़ी सारा आइटम देख रहे हैं, आप इसमें फिंगर चिप्स देख रहे हैं, इसमें सलाद देख रहे हैं, नींबू देख रहे हैं, और ये है फलाफेल बॉल। पुष्कर के मार्केट में आपको बहुत जगह ये चीज़ दिखेगी, बट यहाँ वाला जो स्वाद आने वाला है ना, माय गॉड, माइंड ब्लोइंग टेस्ट होने वाला है। और ये होती है, इसे कहते हैं खुमूस, ये एक तरह की चटनी होती है जो तिल और काबुली चने का मिक्सअप करके बनाई जाती है, और इसके ऊपर थोड़ा सा इजरायली गरम मसाला है वो, और इसे कहते हैं पीता ब्रेड। इसके आप करें दो टुकड़े। ये सारा का सारा प्रोसेस जो यहाँ पर है, ये यहाँ वुड फायर के अंदर किया जाता है। देखिए इसका खाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये खुमस वाली जो चटनी है ना, इसे मिक्सअप करें, फिलिंग कर ले इसकी। ये इसको इधर फिलअप करें, फिर उसके बाद में वन बाय वन दो तीन पीस इसकी स्लाइस डालें। थोड़ा आप चाहें तो सलाद डालें, या सलाद आप ऊपर से भी खा सकते हैं। और एक बॉल को उठाया, इसके अंदर मैशअप किया इस तरह से, राइट। ये हो चुका है ऑलमोस्ट तैयार। और ये सेंटर में जो आप देख रहे हैं वो है ग्रीन चिली वाली चटनी, इसमें हल्का फुल्का लहसुन भी होता है। तो मैं लहसुन नहीं खाता हूँ आजकल, तो मैंने इसे बाहर रख दिया, बट इसका स्वाद जो होता है ना, इनक्रेडिबल होता है। सो तैयार हो आप? बोलो भैया। अरे कमेंट लिख देना यार कैसा लगता है आपको, ये जरूर ध्यान रखा करो। सो पंडित जी तैयार है यहाँ का फलाफेल खाने के लिए। जो क्रिस्टिनेशन है वो बॉल वाली, वो यहीं मिलती है, मैंने कई जगह खाया है फलाफेल, बट ये वाला स्वाद नॉट एनीवेयर एल्स। सर इस प्लेट की रेट क्या होती है? हाँ जी, ये फलाफेल प्लेट 250 रुपए का होता है, और ये पीता ब्रेड जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे यहीं जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल पीता ब्रेड होता है वैसा ही बनता है। सो दोस्तों थर्ड आई रेस्टोरेंट वाला फूड ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा। और पंडित जी के चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। राइट दोस्तों, जय श्री नारायण, जय पुष्कराज की, नमस्ते। और यहाँ पर कहा जाता है शलोम।